आप गुवाहाटी नहीं गए, आपको भी ऑफर था, लेकिन आपने शिवसेना का जो निष्ठा है, बाला साहब ठाकरे का जो नाम है, उसे मिट्टी में मिलने नहीं दिया। आज देखो, मेरे 17 साल के उम्र से मैं आज शिवसेना का काम करते आया हूँ। रिक्शा यूनियन से लेके उपशाखा प्रमुख, बाद में सब पोस्ट जितने हैं, बड़े बड़े पोस्ट मेरे को शिवसेना ने दिया है, बाला साहब ने दिया है। उद्धव जी का जो प्यार है उसको आंसू देख रहे हैं कि शिवसेना को लेकर कितना उनके दिलों में जज्बा है, जनून है कि शिवसेना के साथ निष्ठा के साथ रहना है, शिवसैनिकों के साथ सुख दुख में खड़ा रहना है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर में और हमारे साथ शिवसेना विभाग प्रमुख मंगेश सातमकर जी हैं, विभाग क्रमांक 9 के। जानना चाहेंगे सर, क्या कहेंगे इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में 50 खोके एकदम ओके, ये वातावरण जो है सभी के दिलों और दिमाग में बैठ गया, क्या कहना चाहेंगे? वो मैं भी सुन रहा हूँ ऐसा कि 50 खोके सब कुछ ओके, जो है वो है, हम लोग को उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। मगर हम लोग हमारे काम के ऊपर, जैसे उद्धव साहब ने हमको कहा है कि हम हमारा काम चालू रखेंगे, बाकी जो चल रहा है वो चलने दो, खोका है और क्या 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 है वो है। मैं तो आज यहाँ पे एक अच्छे काम के लिए आया हूँ। हमारे इस शाखा के माध्यम से एक शिविर का आयोजन किया है, उसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो लोगों को ज़रूरत लगती है वो सभी चीज़ का आयोजन यहाँ पे किया है। और सुबह से बहुत सारे लोग, 3 दिन का ये कैंप का आयोजन किया है और आज का दूसरा दिन है। सुबह से मैं देख रहा हूँ, मैं ये आया ये वहाँ पे देखा, बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ ले रहे, क्योंकि ये तो आधार कार्ड है, पैन कार्ड, इसकी तो ज़रूरत अभी हर वक्त हर पल इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए हमारे बहुत सारी शाखा में, सिर्फ यही नहीं मगर हमारे इस पूरे क्षेत्र की 21 शाखा में हम लोग हर एक जगह पे ऐसे शिविर का आयोजन करते हैं। यहाँ पे आप महेंद्र जी है, संजय राठौड़ है, हमारी महिला शाखा संगठिका है, हमारे सभी पदाधिकारी हैं और उन लोग के माध्यम से ये शिविर का आयोजन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये शिविर में इस क्षेत्र के सभी लोगों को इसका फ़ायदा होगा, सभी लोग ये शिविर में आएंगे और जो भी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और बाकी के जो चीज़ है वो सब यहाँ पे आके उसका फ़ायदा ले लेंगे। और शिवसेना का काम ही है ना कि हम लोग, बाकी ठीक है अभी जो चल रहे, जैसे आपने कहा 50 खोका 100 खोका जो भी है, जो चल रहा है वो चल रहा है, हम शिवसैनिक जिधर है उधर ही है। आप देखिए पूरे हमारे विभाग क्रमांक 9 में हमारा एक भी कार्यकर्ता नहीं गया, हमारा एक भी नहीं गया, जो छुटुर पुटुर जो है, जो इधर उधर खाने के लिए जाते, 2000 के लिए जो भागते हैं, 1000-2000 के पीछे जो भागते हैं, अभी वो मैं क्या कहूँ, अभी जो हम लोग, हमारे कार्यकर्ता तो है उधर ही, हमारे कार्यकर्ता कहाँ पे ना, हम लोग तो बाला साहब के ऊपर विश्वास रखने वाले, उद्धव साहब के साथ में। और इसलिए जब हम लोग की मीटिंग हो गई उद्धव साहब के साथ में, तब हम सभी, हमारे इस क्षेत्र के सभी पदाधिकारी ने ये कहा कि साहब आप जिधर रहेंगे उधर हम रहेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं, जिनको चाहिए उनको दे दो, हम लोग इतने से रहेंगे तो भी चलेगा, वहाँ से हम लोग हमारी शुरुआत करेंगे, हमारी संगठन हम लोग बनाएंगे। और इसलिए हम लोग खुश है, जो चल रहा है चल रहा है, कितने दिन चलेगा बाद में पता चलेगा, 2-4 महीने के बाद में उनको पता चलेगा क्या है वो, जाने दो, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। हमारे हर शाखा में कार्यक्रम का आयोजन होता है, जैसे जो लोगों को ज़रूरत है वो सभी कार्यक्रम हमारे शाखा में होते हैं, हम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं है, हम लोग हमारी तरफ से काम कर रहे हैं। और इसलिए अभी जो बाकी जो चल रहा है वो चलने दो, उसके बारे में हम लोग, सवाल और है कि आपका तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी आप कार्यकर्ताओं के संपर्क में थे, उनसे बात करते थे, उनका हौसला अफजाई करते थे, लेकिन एक जो धक्का शिवसेना को यहाँ पे मिला है राहुल शेवाले के थ्रू, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, शेवाले साहब तो ठीक है, हम लोग सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। शेवाले साहब क्यों गए, कैसे गए, क्या वो हम लोग को मालूम नहीं, ना हमारी उनके साथ में कोई बात हो गई, ना उनके मिसेस के साथ में कोई बात हो गई, हमको पता नहीं ये क्यों गए करके। क्योंकि हम लोग चाहते थे इस क्षेत्र के विभाग क्रमांक 9 के हमारे सभी पदाधिकारी, जब भी शिवाले साहब आते थे उनकी हम लोग इज्जत करते थे, उनके माध्यम से
कभी कुछ प्रोग्राम होता था तो हम लोग सब शरीक होते थे उसमें, कार्यक्रम में हम लोग पार्टिसिपेट होते थे। मगर अचानक क्या हो गया मुझे मालूम नहीं। अभी जो चल रहा है मुंबई में महाराष्ट्र में, अभी उसके बारे में मैं क्या कहूँगा। मगर हम लोग से गए, दूर गए, उनका क्या इंटेंशन है क्या, वो हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं। मगर हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल है उधर ही है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि ये शिवसेना के ऊपर प्रेम करने वाले हैं सब लोग, बाला साहब के ऊपर, उद्धव साहब के ऊपर। इसलिए हम लोग कोई अभी कुछ बीच में कुछ लोगों को उनकी तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से जो गए, हमारे आमदार गए, हमारे खासदार गए, उनके तरफ से फ़ोन आ रहे, तुमको क्या मिला, क्या मिला शिवसेना में, क्या मिला शिवसेना ने, क्या दिया। हम लोग को यही बोला कि हमको कुछ नहीं मिला, हमको बाला साहब मिले, हमको उद्धव साहब मिले, हमको पैसे वैसे की कोई ज़रूरत नहीं। और पैसे के लिए हम लोग नहीं है, हम लोग जो हम लोग की निष्ठा है वो निष्ठा आज भी हमारी कायम है। बाकी जो गए, क्यों गए, क्या गए, वो कुछ दिन के बाद में पता चलेगा। पैसा क्या ज़्यादा दिन रहता नहीं है, वो बाद में ख़त्म होने के बाद में पता चलेगा, वो लोगों के सामने सब चीज़ आ जाएंगे। और इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता निश्चित तौर से अच्छी तरह से काम करते हैं, एकदम निश्चित है, कोई उनके मन में कुछ भी चीज़ नहीं है। और इसलिए जैसे हम लोग पहले काम करते थे ठीक वैसे ही काम हमारे इस क्षेत्र में हो रहे। मेरे विभाग क्रमांक 9 में तो मेरे तीन ही विधानसभा में हमारे सभी पदाधिकारी, कोई भी पदाधिकारी हमारा इधर इधर कुछ किधर भी नहीं हुए। जैसे पहले काम करते वैसे ही काम के उल्टा उद्धव साहब ने हमको ये कहा कि चलो ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, हम लोग को अपना काम करना है और इसलिए हम लोग काम करें। आज भी हम लोग इस काम के ही माध्यम से यहाँ पे आए। लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बाकी के जो चीज़ है, जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम लोग ने उसका कैंप लगाया और लोगों को उसका फ़ायदा दे रहे। और इसलिए राजनीति जो हो रही है होने दो, हम लोग को उससे कुछ लेना देना नहीं। हम लोग शिवसैनिक है और हम लोग शिवसैनिक रहेंगे। आदित्य ठाकरे जी निष्ठा यात्रा के माध्यम से पूरा महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, हर एक जिला में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ विरोधियों के तरफ से आदित्य ठाकरे जी को चुप करने की या उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही, क्या कहेंगे? क्योंकि एक 32 साल का युवक नौजवान सबके बीच में जाके फेस कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए ऐसा कोई मायका लाल नहीं है जो हमारे शिवसेना के पदाधिकारी, वो तो आदित्य साहब तो हमारे नेता है, मगर हमारा कोई एक कार्यकर्ता को भी, सादा छोटा सा कार्यकर्ता हो के भी दबाने की कोई कोशिश करेगा तो कार्यकर्ता वो अपनी जगह उनको बता देंगे। इसलिए और ये तो उद्धव हमारे आदित्य साहब तो बड़े हैं, वो उनके माध्यम से काम कर रहे हैं, काम हर एक जिला में जा रहे, हर एक गाँव में जा रहे, लोगों को संपर्क कर रहे अच्छी तरह से। अभी उसमें और किसी को क्या लगता है उसके हम लोग परवाह नहीं करते। और शिवसेना है ना, एक हमारा कार्यकर्ता किसी को डरता नहीं है, तो आदित्य साहब तो हमारे नेता है और किसी की हिम्मत है उनको रोकने की, ये मत करो वो मत करो। और इसलिए पूरे महाराष्ट्र में आप देखिए, पूरे महाराष्ट्र में हमारे आदित्य साहब घूम रहे, नांदेड़ से लेके पूरे जितना भी महाराष्ट्र में जितने हमारे जिला है सभी जिला में घूम रहे, सभी जिला में लोगों को संपर्क कर रहे, लोगों को मिल रहे। और शिवसेना की जो भूमिका है वो शिवसेना की भूमिका बता रहे हैं। ऐसे हम लोग ने कोई गलत किया नहीं, हम लोग है वैसे। अभी बाकी जो चल रहा है वो चलने दो, जो गए हैं उधर उनका यही चालू रहता है, दिन भर यही करने का है, कुछ बातें करने का, ऐसा हो गया शिवसेना में, ये हो गया, हमको फंड नहीं दिया, हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मगर ये सब चीज़ अभी लोगों को पता चल गई है कि इनको सबको फंड दिया, एक एक को 300-300 करोड़ फंड दिया है। और इसलिए इन लोग की जो झूठ जो बातें ये बता रहे हैं ये अभी लोगों के ध्यान में आ रहे हैं। और इसीलिए अभी इस मुंबई और महाराष्ट्र की जो जनता है, ये महाराष्ट्र के जो हमारे वोटर है, वो अभी वो राह देख रहे हैं कि कभी चुनाव आ रहे हैं। चुनाव आने के बाद में इनको पता चलेगा इनकी क्या औकात है। आज नहीं पता चलेगा, उनको कहने दो, जो कहता है वो कहने, पैसा मिला है 50 खोखा 60 खोखा जो भी है, जो बोलते हैं हम लोग को मालूम नहीं, मगर जो बोलते हैं वो हम लोग है, जो मिला है मिला है, खत्म भी हो जाएगा। हाँ वो तो पैसा है ना, पैसा थोड़ा रहेगा, वो तो खत्म हो जाएगा, मगर बाद में पता चलेगा उनको। चुनाव आने दो, उसके बाद में इस महाराष्ट्र की, इस मुंबई की जनता उनको अपनी जगह है ना बराबर बताएंगे। चाहे एक और सवाल है, आरसीएफ में यूनियन का जो चुनाव था उसमें शिवसेना की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो जीत कर आए, क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ पे आरसीएफ में ऐसे बहुत सारी कंपनी मुंबई में है, बहुत सारी यूनिट है कि वहाँ पे शिवसेना का, शिवसेना को मानने वाला एक गट अलग है। लोग ठीक है ये जो चल रहा है वो चल रहा है,
मगर शिवसेना में काम करने वाले, शिवसेना के ऊपर विश्वास रखने वाले बहुत सारी हमारी कंपनी है, उस कंपनी में है ना कट्टर शिवसैनिक है। और इसलिए क्या ऐसे इतने सालों से हम लोग मुंबई में या महाराष्ट्र में जहाँ भी, जैसे हमारे पहले सूर्यकांत माडिक थे, अभी हमारे अरविंद सावंत जी है, ये सब संभाल रहे ना मुंबई की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी। हमारे पास करीब करीब उस वक्त, मतलब सूर्यकांत माडिक साहब जब थे तब उनको बस 3,500 के ऊपर कंपनियाँ थी, और ये सब पूरे कंपनियों का जो काम था वो खुद देखते थे। और इसलिए कंपनी में काम करने वाले वर्कर है, वहाँ पे लेबर है, वहाँ के अधिकारी है, ये लोग तो सब शिवसेना के ऊपर विश्वास करने वाले, इसलिए इतनी बड़ी बड़े पैमाने में पूरे महाराष्ट्र में इतनी सारी है हमारी यूनियन फैली हुई है। और इसलिए बाकी के जो हो रहा है हो रहा है, हम लोग है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि आपके साथ यहाँ पे विधायक प्रकाश पाथपेकर जी है, लोग उन्हें निष्ठावान विधायक के नज़र से देखते हैं, कितना गर्व है क्योंकि 50 खोखा तो वो भी ले सकते थे। नहीं, हम लोग को गर्व है, हमारे प्रकाश जी, प्रकाश पाथपेकर जी जो हमारे हमारे जो विधायक है, उन्होंने ये तो सब बात फैल गई थी, मगर उनका शिवसेना के ऊपर निष्ठा, उद्धव जी के ऊपर निष्ठा, आदित्य के ऊपर, आदित्य साहब के ऊपर की निष्ठा, वो कहाँ पे भी नहीं गई। अगर वो चाहते तो उनको भी 50-60 खोखा मिल सकता था ना, वो ये भी चाहते थे ना कि बाबा चलो ठीक है 50-60 खोखा मिला, मेरी आगे की ज़िंदगी अच्छी जाएगी, मगर नहीं, शिवसेना के ऊपर की निष्ठा, शिवसेना के ऊपर का प्रेम, उसलिए वो कहाँ पे भी नहीं गए, वो हमारे साथ में जो गए वो गए, वो साथ में रहे, शिवसेना के साथ में बहुत सालों से वो है, उद्धव जी का प्यार उनको मिला है, आदित्य साहब का प्यार मिला है, और इसलिए वो आज देखो क्या होता है, जो पैसा लेता है ना वो छुप के करते हैं, आज वो देखो ना कहाँ पे भी एरिया में भी कैसे घूम रहे, बॉडीगार्ड की भी ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं ना बॉडीगार्ड की ज़रूरत, हम लोग को किसी की ज़रूरत नहीं है, जो पैसा लिया है ना उन लोग को बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। और इसलिए हमारे प्रकाश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शिवसेना के साथ में है, साथ में थे, आज भी और कल भी रहेंगे, और उनके नेतृत्व में ये चेंबूर विधानसभा में हमारा काम हो रहा है, अच्छी तरह से काम हो रहा है, हमारे सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि अब महानगर पालिका के बाद तो लोकसभा चुनाव भी है, तो उस नज़रिए से किसको उम्मीदवार देखते हैं या उसकी तैयारी किस तरह की होगी? नहीं नहीं, देखिए अभी महानगर पालिका का तो चुनाव अभी हो जाएगा, शायद 1 फरवरी में होगा, वो तो चुनाव में हम लोग दिखा देंगे हमारी क्या ताकत है, और उसके बाद में 2 साल के बाद में जो MP का चुनाव है, MLA का चुनाव है, उस चुनाव में भी देखेंगे ना, लोग तो हमारे तैयार है, हमारे तीनों विधानसभा में, देखिए हमारे खासदार थे, हमारे MP साहब थे, हम उनके साथ में थे, हम उनके बाजू में थे, बहुत सारे लोग हमको क्या क्या बोलते थे, तुम्हारे MP साहब तो 5 बार भी नहीं है 5 साल में, ऐसे बहुत सारे बोलते थे, मगर ठीक है हमारे MP साहब थे, हम उनके साथ में थे, लोगों को संभालते थे, लोगों को समझाते थे कि उनके काम हम लोग कर रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं करके, मगर अभी आने वाले चुनाव में पता चलेगा, ये चुनाव जो अभी आएगा उसमें भूखा शेर के जैसा एकदम तैयार बैठा है, मौका मिलते ही। नहीं नहीं, शिवसैनिक तो तैयार ही है, वो तो सोच रहे कि अभी आने दो, कल चुनाव आएगा तो भी हम लोग उनको बता देंगे क्या है वो, और ये सभी लोगों को उनकी क्या औकात है वो पता चलेगी ना चुनाव में, चुनाव में पता चलेगी क्या औकात है वो। शिवसैनिक देखो, कोई भी नेता होता है, खासदार होता है, आमदार होता है, नगर सेवक होता है, उसको संभालने का काम कार्यकर्ता करता है, और कार्यकर्ता के माध्यम से वो बड़े होते हैं ना, वो विधायक हो या MP हो कोई, वो क्या एरिया में नहीं घूमते, अभी हमारे एरिया में भी बोल रहे ना कि 5 साल में 5 बार भी नहीं हमारे इधर आए, ठीक है, मगर उनको संभालने का काम शिवसैनिक ने किया, घर घर शिवसैनिक पहुंचता था, उनका काम शिवसैनिक घर तक पहुँचते कि हाँ साहब है, आप बताइए हमको क्या काम है, हम काम करेंगे, मगर अभी ये चुनाव आएगा तब पता चलेगा क्या है, इसलिए मैं अभी क्या बोलूँ, आने दो चुनाव देख लेंगे हम लोग क्या करना है, मतलब पूरी तरह बिल्कुल हमारी तैयारी। मंगे सातम को जी को दिख रहे थे, आइए प्रकाश भाऊ फातेपेकर हैं, 50 खोखा ये भी ले सकते थे गुवाहाटी जाकर, भाऊ क्या कहेंगे आप, गुवाहाटी क्यों नहीं गए और 50 खोखा क्यों नहीं लिए आप? 50 खोखा लेने में कुछ नहीं ना, मगर अभी क्या है वो रखेंगे किधर, उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बराबर ना, अभी मैं खुद भाड़े का घर में ही रहता हूँ अजन तक, तो किधर रखेगा उसका प्रॉब्लम है ना, अगर कुछ रहता था तो बात अलग था। क्या कहेंगे
आप गुवाहाटी नहीं गए, आपको भी ऑफर था, लेकिन आपने शिवसेना का जो निष्ठा है, बाला साहब ठाकरे का जो नाम है, उसे मिट्टी में मिलने नहीं दिया। आज देखो, मेरे 17 साल के उम्र से मैं आज शिवसेना का काम करते आया हूँ। रिक्शा यूनियन से लेके उपशाखा प्रमुख, बाद में सब पोस्ट जितने हैं बड़े बड़े पोस्ट मेरे को शिवसेना ने दिया है, बाला साहब ने दिया है। उद्धव जी का जो प्यार है उसको बाद में आंसू देख रहे हैं कि शिवसेना को लेकर कितना उनके दिलों में जज्बा है, जनून है कि शिवसेना के साथ निष्ठा के साथ रहना है, शिवसैनिकों के साथ सुख दुख में खड़ा रहना है। तो प्रकाश भाऊ का आंख भी भर आया है, लेकिन भाऊ क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी वजह से शिवसैनिकों को बहुत ताकत मिली यहाँ पर, क्या कहेंगे? नहीं देखो, शिवसेना को ताकत मिली वो बात अलग है। आज यहाँ का चेंबूर जो है कोई फुटके गया नहीं है, और यहाँ पे जो काम शिवसेना का है, छोटे छोटे गट प्रमुख से लेके उपशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, सब एक ही जगह पे है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे कैसा है, सब काम हो रहा है, मेरे तरफ से उनको कोई कमी नहीं है। आज ये बोलेगा भाऊ ये काम करो, कल काम हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो फंड आने का मैं इंतज़ार करता हूँ। थोड़ा फंड हम लोग को मिलता नहीं है, मगर तो भी मैं कहाँ कहाँ से हम लोग कैसे करते हो मेरे को मालूम है, मगर यहाँ पे बहुत सारा काम किया है। और अच्छा, ये जो शिवसैनिक है वो किधर भी जाने वाले नहीं है, ठीक है, वो जाने वाले क्यों गए, क्या गए, वो हम लोग को मालूम नहीं, और जाने वाले चले गए, मगर बाकी के कोई जगह से हिलने वाला नहीं है। और अभी महानगर पालिका आ रहे, वो महानगर पालिका में VMC के उनका ये बताएंगे ना, लोग उनको बताएंगे और क्या औकात दिखाएंगे, औकात दिखाएंगे, क्या कहेंगे बाला साहब जी को? आप मानने वाले कट्टर एक ऐसे शिवसैनिक और विधायक हैं, उद्धव ठाकरे जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आज भी आदित्य ठाकरे जी विधान भवन में थे, आप उनके साथ मोर्चे में थे, विरोध कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? तो क्या है, आदित्य साहब बोलो, उद्धव जी बोलो, या बाला साहब बोलो, ये सब शिवसेना का है, और शिवसेना ने हम लोग को बड़ा किया है। आज आदित्य साहब के साथ मेरी बेटी है, वो काम कर रही है, पूरा महाराष्ट्र के दौरा कर रही है। आज एक शिवसेना से हम लोग जुड़े हैं ना, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि बाबा ये आया वो आया, ऑफर से बहुत आते हैं, मगर हम लोग जाने वाले नहीं है ना, मैं वही तो उनको बोला ना, फूटने वाले नहीं, फोड़ने वाले फूटने वाले हम लोग फूटने में से नहीं है, हम लोग फूट के दूसरे को इधर लेके आ सकते हैं, और हम लोग फूट के जाने वाले नहीं है। जी हाँ, तो विधायक प्रकाश पाटीलकर जी यहाँ चेंबूर में मौजूद है, उनके आंख भर आई है, क्योंकि शिवसेना से प्यार करते हैं, बाला साहब ठाकरे जी के आदर्श को मानते हैं, और सिंधे गुट में नहीं गए, 50 खोखा इन्हें भी मिल सकता था, इन्होंने खोखे को ठुकरा दिया और शिवसेना के साथ निष्ठा और विश्वास के साथ खड़े रहे, और शिवसैनिकों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते रहे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई। आप गुवाहाटी नहीं गए, आपको भी ऑफर था, लेकिन आपने शिवसेना का जो निष्ठा है, बाला साहब ठाकरे का जो नाम है, उसे मिट्टी में मिलने नहीं दिया। आज देखो, मेरे 17 साल के उम्र से मैं आज शिवसेना का काम करते आया हूँ। रिक्शा यूनियन से लेके उपशाखा प्रमुख, बाद में सब पोस्ट जितने हैं बड़े बड़े पोस्ट मेरे को शिवसेना ने दिया है, बाला साहब ने दिया है। उद्धव जी का जो प्यार है उसको आंसू देख रहे हैं कि शिवसेना को लेकर कितना उनके दिलों में जज्बा है, जनून है कि शिवसेना के साथ निष्ठा के साथ रहना है, शिवसैनिकों के साथ सुख दुख में खड़ा रहना है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।